एंकर, ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। अपने फैसले में कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 6 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करे। इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज है और इंतजामिया कमेटी की तरफ से कहा गया कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतर जाएंगे। वाराणसी में मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की तो उसके आधार भी बताए। अपने फैसले में कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस याचिका की सुनवाई की राह में रोड़ा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए 1991 के मुकदमे के ट्रायल शुरू किया जाए। इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। हम आपको बता दें कि जिन 5 याचिकाओं पर अदालत का फैसला आया है उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में दायर की गई थी। ये तीनों याचिकाएं भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मित्रों की याचिका के खिलाफ थी। ये याचिकाएं केस की मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की और पूजा अर्चना करने के केस को सुना ही नहीं जाना चाहिए। बची हुई 2 याचिकाएं 2021 के सर्वे के आदेश के खिलाफ थी। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों की तरफ से वाराणसी की अदालत 1991 में दाखिल मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने को लेकर की थी और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कमेटी ने अपनी याचिका में इस जमीन के मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का प्रमुख तर्क यही रहा कि इस मुकदमे को पूजा स्थल अधिनियम के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिद परिसर में मुस्लिम तत्व या हिंदू तत्व हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यह मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। हम ट्रायल कोर्ट को इस मामले में 6 महीने के अंदर फैसला देने के निर्देश देते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक मुकदमे में ASI का सर्वे कराया गया था, इसे बाकी मुकदमों में भी दायर किया जाएगा। इसके साथ ही अगर निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वे कराने की जरूरत है तो अदालत ASI को सर्वे कराने के लिए निर्देश भी दे सकती है। वाराणसी कोर्ट के सामने जो मुकदमा है उसमें ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित स्थान पर एक प्राचीन मंदिर को बहाल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है और औरंगजेब के शासनकाल में जबरदस्ती इस स्थान पर मस्जिद बना दी गई थी। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।